তাই বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি ওম জ্ঞানতিমিরামধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতম যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ গুরবে গৌরচন্দ্রায রাধিকায় ইষ্টদালয়ে কৃষ্ণায কৃষ্ণভক্তায তদ্ভক্তায় নমো নমঃ বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ নমো মহাবদন্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরতুসে নমঃ হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপীসহ গোপিকাকান্ত শ্রীরাধাকান্ত নমস্তুতে তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরি প্রিয়ে বৃন্দাই তুলসী দেবৈ প্রিয়াই কেশবস্য চ কৃষ্ণ ভক্তি প্রদেবী সত্যবতৈ নমো নমঃ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ বল হরি কৃষ্ণ 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 হরি 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 রাম 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 বল হরি কৃষ্ণ 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 হরি 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 রাম জোর সে বলো বল হরি কৃষ্ণ 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 হরি 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 রাম 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 হরি হরি সর্বপ্রথম মরি গুরুপাদ পদ্ম নিতলীলা প্রবিষ্ট বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর সদশ্রী শ্রী শ্রীমদ ভক্তি শ্রী রূপ সিদ্ধান্তি গোস্বামী মহারাজ জি চরণ কমল মে অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণাম করতাম তৎপশ্চাৎ মরি শিক্ষা গুরুপাদ পদ্ম নিতলীলা প্রবিষ্ণ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর সদশ্রী শ্রী শ্রীমদ ভক্তি বেদান্ত শ্রীল নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ জি চরণ সরোজ মে শ্রদ্ধা পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করতাম উপস্থিত বৈষ্ণব বৈষ্ণবী সভি কো মে যথাযোগ্য প্রণাম করতাম হরি কৃষ্ণ কতকল্য হম লোক শ্রবণ কর রে থে কবি কবি মৈয়া সচি শ্রীমান মহাপ্রভু কো নিমাই কো জব রোসেই বন জাতি থি বলে বেটা রোসেই বন চুকা হে যাও বড়ে ভাইয়া কো ভুলা করকে লে আও পাঠশালা সে वहां पर अद्वैत आचार्य हर समय भगवत भक्ति की व्याख्या करते थे। जब महाप्रभु बड़े भैया को बुलाने के लिए जब जाते थे धूल में धूसरी थे नंगे धड़ंगे और जब प्रवेश करते थे उसी समय में जो अद्वैत आचार्य पढ़ाया करता था उनको पढ़ाई बंद हो जाती थी और टकटक लगा करके श्रीमन महाप्रभु का दर्शन करते थे। बोले ये बालक है कौन, ये बालक प्रवेश करते हैं मेरे ध्यान भी टूट जाता है और इनके प्रति मेरे बारंबार ध्यान क्यों जाता है। और महाप्रभु विश्वरूप बड़े भैया के कपड़े को पकड़ करके बोले भैया मैया बुला रही है रोसे बन चुका है चलो प्रसाद पाने के लिए। इधर कपड़े को खींचते थे और दूसरे तरफ में ऐसे टेढ़े नजर से अद्वैत आचार्य को देखते थे। बोले अभी पहचान नहीं रहे हो, तुमने तो मेरे को बुलाया। इसलिए सुतिया आचन खीरा समुद्र सागरे निद्रा भंग है और
नाराहर ओंकार है, मैं तो खीर समुद्र में सो रहा था और तुमने मेरी निद्रा को तुमने तोड़ करके बुलाया मेरे को, और बुला करके मेरे को पहचान नहीं रहे हो। कुछ दिन बाद में मेरे को फिर तुम पहचान लोगे। इसलिए अद्वैत आचार्य जो सोचते थे जरूर ये बालक में कुछ है, नहीं तो मेरा बारंबार इसको प्रति मेरी ध्यान क्यों जाता, क्यों? अद्वैत आचार्य कौन है? ये सदाशिव महाविष्णु है, हैं? ये तो साधारण व्यक्ति को ऊपर में कभी आकृष्ट हो ही नहीं सकते हैं। ऐसे ही महाप्रभु धीरे 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 जब बड़े हुए तब यहाँ पर कहते हैं आत्मा बिने पुत्र बा कलत्र बंधु गणे गृह हित बाहरी बाहर कर हित तत क्षणे सेरू परमात्मा ऐसे श्री नंद नंदन। कहते यहाँ पर कारण क्या है, श्रीमन महाप्रभु का प्रति इनका बारंबार नजर क्यों जाया करता था? तब यहाँ पर शिक्षा देते हैं, कहते भगवान परमात्मा रूप में सभी का हृदय में बैठे हुए हैं। हम जिस शरीर को इतना प्रेम करते हैं, अगर वो शरीर से अगर परमात्मा चले जाए तो स्नान करके जिस शरीर को छूते थे अभी वो छू करके उसी को फिर हम क्या छू करके फिर हम स्नान करते हैं। तब हम जो प्रेम करते थे किसको, वास्तव रूप में हम प्रेम किसको करते थे, उसका अंदर में जो परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं उनको ही हम लोग प्रेम करते थे। जब वो चले जाते हैं फिर इस शरीर को हम दोबारा प्रेम नहीं करते थे। जैसे गोपियां हैं, गोपियां यद्यपि उनके घर में जो बात्सल्य जो बात्सल्य युक्त जो गोपियां हैं उनके घर में उनका बच्चे हैं। जगत का नियम होता है दूसरा का बेटा जितने सुंदर क्यों नहीं हो, माता का एक स्वभाव है अपना बेटे को सबसे ज्यादा प्रेम करता है। दूसरा बेटा जितने सुंदर क्यों नहीं हो, अपना बेटा उसको जितना सुंदर लगता है ना दुनिया में और कोई उसको उतना सुंदर नहीं लगता। भले ही अपना बेटा जितने काले कल उठे, जितने दांत निकला हुआ हो, जो कुछ क्यों नहीं हो, मैया को सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता है? अपना बेटा ही प्यारा लगता है। लेकिन ब्रज में उल्टा होता था। ब्रज में क्या होता था, सबके सब अपना बेटा रहते हुए भी सबके सब कृष्ण को ज्यादा प्रेम करते थे। बोले कारण क्या, बोले कारण है कृष्ण कौन है, ये परमात्मा। हम जो बच्चों को प्रेम करते हैं क्यों करते हैं प्रेम, चूंकि उसका अंदर में आत्मा है इसलिए हम उसको प्रेम करते हैं। लेकिन वही आत्मा जब चली जाती है फिर उस शरीर को हम प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन ये आत्मा की आत्मा कौन है, परमात्मा, ये श्री नंद नंदन श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए यहाँ पर स्वाभाविक रूप में महाप्रभु को स्वाभाविक रूप में ही सबके सब प्रेम करते थे। अभी धीरे धीरे महाप्रभु जब धीरे बड़े हुए, अभी विश्व रूप जब अद्वैत आचार्य का टोली में पढ़ने के लिए जाते थे, अभी पढ़ते 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 अभी ये क्या करते थे, उनको ये संसार का कोई भी बात उनको अच्छी नहीं लगती थी। अगर घर में थोड़ी समय के लिए अगर खाने के लिए आते थे, जब घर में आएंगे उस समय केवल अपना ठाकुर घर में जाकर चुपचाप बैठ जाएंगे, ठाकुर को दर्शन करेंगे, नाम लेते रहेंगे, और भोजन खत्म होते ही ना सीधा अद्वैत आचार्य की टोल में आ जाते थे। बोले क्यों, अद्वैत आचार्य हर समय भगवान की कथा भगवान की चर्चा हरि नाम हरि कीर्तन करते थे। इनको हरि कथा कीर्तन के सिवाय और दुनिया में कोई चीज इनको अच्छी नहीं लगती थी। अभी क्या हुआ, सारे शास्त्र को पढ़ करके तब यहाँ पर कहते हैं, हैं? कहते सारे शास्त्र पढ़ कर, बोले सर्व शास्त्र मर्म जानी विश्व रूप धरी अनित्य संसार हईते हईला बाहिरे जगत पोषण करी जगत रे नाथ पंडित पोषण के बा कहिल त्वात। यहाँ पर कह रहे हैं कहते यही मत विश्व रूप पढ़ी सर्व शास्त्र जानी लेने संसार सत्य नहे तील मात्र। यहाँ पर कह रहे हैं जब श्री विश्वरूप ने सारे शास्त्र को अध्ययन किया, कहते सारे शास्त्र का तात्पर्य क्या है, कहते श्रुति सिद्धांत यह उरुगारी भजिए राम सब काज विसारी। जितने सारे शास्त्र पढ़ो
उसका केवल एक ही लक्ष्य है, बोले भजिए राम सब काज पिसारी। हर शास्त्र एक ही बात कहता है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम ब्रज। हर शास्त्र यही बात कहता है, ये मानव शरीर दुर्लभ है, भगवान ने ये जो मानव शरीर दिया है किसके लिए दिया है, कभी ये संसार का विषय भोग करने के लिए नहीं दिया है, ये जीवन का केवल एक उद्देश्य है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। केवल एक उद्देश्य है, हम कैसे भगवत प्राप्ति करेंगे, भगवत को प्राप्ति करेंगे कैसे करेंगे, यही केवल ये मानव शरीर का एकमात्र लक्ष्य और कोई लक्ष्य नहीं। इसलिए जो चार आश्रम में है, चार वर्ण और चार आश्रम है, पहला आश्रम क्या है, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य 25 साल तक पहले सबके सब ब्रह्मचर्य आश्रम पालन, तो ये गुरुकुल में रहते थे, गुरु जी की सेवा करते थे, वेद वेदांत उपनिषद पुराण ये सब के सब शास्त्र को अध्ययन करते थे, 25 साल तक गुरु सेवा करते थे। जब पढ़ाई हो जाता था फिर गुरुदेव सबसे प्रश्न करते थे, बोले बच्चों अभी क्या करोगे बताओ, अभी क्या करोगे, पढ़ाई खत्म हो गया, लेकिन जो सचमुच से शास्त्र का तात्पर्य जो समझ लेता था, ये जीवन दुर्लभ है, भगवान बारंबार ये मानव शरीर नहीं देते, ये 84 लक्ष जन्मों के बाद में मानव शरीर हमें मिला हुआ, ये बारंबार मिलेगा नहीं, अगर ये जीवन पा करके भगवान की अगर हम भक्ति करते हुए भगवत प्राप्त अगर जीवन में कर लिया ना, समझो ये जीवन सार्थक था हो गया। ये चीज को जो समझ जाता था, और सारे शास्त्र तो एक ही बात कहता है, भगवान की भक्ति करो भजन करो जीवन दुर्लभ है, एक ही बात कहता है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई है। वो क्या करता था, गुरुकुल में रह जाता था, और रह करके गुरु जी की सेवा करते हुए भगवत भक्ति करते हुए संसार समुद्र से पार हो जाता। लेकिन जो बच्चा फेल बच्चे है, जो फेल बच्चे है, जो ये इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं, और फिर ये इंद्रियों को दमन नहीं कर सकते, बगैर शादी के रह नहीं सकते हैं, हैं? पर गुरुदेव बोलते थे बेटा जाओ अपना घर में जाओ, अपना मन मर्जी शादी नहीं करना, अपना मन मर्जी शादी नहीं करना, परिवार वाले जैसे दिलाएंगे ऐसे शादी करना, लेकिन दोनों पति पत्नी मिल करके क्या करना, दोनों मिल करके हरि भजन करना, लेकिन कब तक, बोले 50 साल तक, 50 साल के बाद में फिर घर में नहीं रहना, 50 ऊर्ध्व बनम ब्रजेत, 50 साल के बाद में फिर घर गृह से छोड़ करके फिर वृंदावन। इसलिए एकावन बावन चौवन लबन बन बन, इसलिए बन का वृंदावन जाओ। लेकिन उसको बाद में कहते हैं वानप्रस्थ है, इसलिए सप्तम स्कंद में ये सारे वर्ण और आश्रमों का वर्णन किया है। सबसे ज्यादा जो कठिन आश्रम बताया ये वानप्रस्थ जीवन है, सबसे कठिन, सबसे बड़े कठिन जीवन बताया। कैसे रहोगे, बाल नहीं काट सकते, नाखून नहीं काट सकते हो, बलकल पहनो, दिन में एक बार खाओ, बड़ा कठिन साधन सबसे। बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण है तुमने जो 25 साल तक ये घर गृहस्थ किया है, ये मन को जो तुमने विषय में डुबाया, ये मन को तुमने जो ये संसार का विषय में तुमने जो ये मन को डुबा दिया, क्या हुआ, अभी तुम्हारी मन गंदा हो गया, अभी तुम्हारी मन गंदा हो गया, अभी ये जो इसको अंदर में जो गंदा संस्कार चल नहीं रहा है, कि तुम्हारी मन को अंदर में जो गंदा संस्कार पड़ गया है, अभी ये गंदे संस्कार को भुलाने के लिए तुमको ये कठोर साधन करना पड़ेगा। अब देखो जो घर गृहस्थी करके आए, देख लेना जब भजन करने के लिए बैठो, क्योंकि जो काम जिंदगी भर करोगे उसका ही छाप पड़ जाता है, भले ही जो कुछ कर क्यों नहीं करे, जो जिंदगी भर को उसको छाप पड़ेगा ना। जब तो भजन करने के लिए जाओगे, बीवी बच्चे नाती पोती दुनियादारी की याद आएगी, क्यों, तुमने रील में भरा, जो चीज भरोगे वही चीज आएगा ना, जो चीज भरोगे वही चीज तो आएगा ना, हाँ भरा हुआ चीज आएगा। इसलिए वानप्रस्थ में बताया कि सबसे ज्यादा जो कठोर
जो साधन बताया ये वानप्रस्थ जीवन में, उसको 25 साल वानप्रस्थ, उसके बाद में फिर सन्यास धर्म है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते यही मत विश्व रूप पढ़ी सर्व शास्त्र है जानीला संसार नित सत्य नहीं तो तील मात्र। सारे शास्त्र को अगर सही सही अगर कोई पढ़ेगा ना फिर क्या पता चलेगा संसार सत्य नहीं है, संसार माया है, संसार माया है, संसार झूठा है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय शरणार प्रेंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु रे भव प्रेंदरे बजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय शरणार प्रेंदरे सीता तप पात बरी सण ए दिना जामिनी जागीरे पण दुरन चपल सुख लव लागे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय शरणार प्रेंदरे। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं बोले सीत आतप भात परिसन यदि न जामिनी जागिरे। एक व्यक्ति पैसा कमाने के लिए बताओ कितना कष्ट करना नहीं पड़ता है, ठंडा गर्मी सर्दी है धूप आंधी तूफान कितने कष्ट करना नहीं पड़ता है पैसा कमाने के लिए। बोले क्यों बोले सीत आतप भात परिसन यदि न जामिनी जागिरे। कभी दिन में कभी रात को जग करके पैसा कमाते। बोले क्यों बोले पीफल से बिनो कृपण दुर्जन चपल सुखल लागिरे है। कहते पीफल से बिनो कृपण दुर्जन, यहाँ पर कह रहे हैं ये जो कृपण है दुर्जन ये संसार लोगों कह रहे हैं भैया ये लोगों को कभी तुम संतुष्ट कर नहीं सकते हो। लोग क्या चाहते हैं हम अपना परिवार को संतुष्ट कर लेंगे, बीवी बच्चे पति को संतुष्ट, किसी दुनिया में किसको पूछो अभी तक तुम्हारे पर पत्नी संतुष्ट हुई ना पति संतुष्ट हुई ना बच्चा संतुष्ट हुआ, सबको सेवा कर रहे। दुनिया में कोई किसी को पर खुश नहीं होते हैं। थोड़ी सी अगर पान से चूर निकल जाए ना बोले झट बोलेगा तुम मेरे लिए क्या किया, तुम मेरे लिए तुमने क्या किया, इतना करते हुए भी जगत में किसी को खुश नहीं कर सकते हो। बोलेंगे आप कैसे हो बोले जब तक जेब में पैसा हो। पैसा गन तुम कौन, पैसा गन तुम कौन, ये दुनिया बड़ा विचित्र दुनिया है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हमने ये छोटे सुख को पाने के लिए हमने इतने परिश्रम किया है, हैं पीफल से बिन कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागिरी। बोले भैया कौन सा सुख पाने के लिए, बोले जो जिसको हम सुख मानते हैं हाँ ये चपल सुख है, ये वास्तव सुख नहीं, ये झूठा आनंद के लिए झूठा सुख के लिए हमने इतना किया। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभी दास रे। क्या करनी चाहिए है कद भगवान की कथा सुना, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का दास्य करो, उनकी चरण की सेवा करो, उनका सख्य और आत्मनिवेदन ये जो नव विद्या भक्ति को तरह भगवान की भक्ति करो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं विश्व रूप जब उनने सारे शास्त्र को उन्होंने पढ़ा, सारे शास्त्र में यही चीज लिखा हुआ ये जीवन दुर्लभ जीवन है, बारम्बार ठाकुर ये जीवन देते नहीं, इसलिए जीवन पाकर क्या कर भगवान के भजन में कर लो। इसलिए कल कर सो
आज कर और आज कर सब। लेकिन हम क्या सोचते हैं, नहीं अभी थोड़ी सी रुक जाए, अभी थोड़ा पहले घर अपना बना दे, अपने घर पर बना बना करके ना, फिर तो जब घर का सारे सबको शादी शुदा करके जब घर का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाए ना, फिर क्या करके फिर हम भजन करने आएंगे। लेकिन अगर भैया बीच में अगर राम नाम सत्य हो गया तो, बीच में बोलो हरी हरी बोलो हो गया तो फिर क्या होगा, फिर भजन रह गया ना। इसलिए क्या कहते, बोले त्रुणम, जितने जल्दी से बारो क्या करो, जितने जल्दी से जल्दी भगवान की भजन में लग जाओ, जो दूसरे जो काम है वो होता रहेगा, ये जीवन में होता रहेगा। कितने जीवन में हम तो यही करते करते आए हैं, यही काम तो करते करते, दुनियादारी का काम करते करते आए, लेकिन एक ड्यूटी हमने नहीं पूरी की, इसलिए जन्म जन्मांतर लग गया। बस एक ड्यूटी को पूरी कर लो, बस तुम्हारी सारी ड्यूटी तुम्हारी पूरी हो जाएगी। अगर वो ड्यूटी नहीं करोगे ना, फिर तो दुनिया की सारे ड्यूटी में लगे रहोगे। इसलिए श्री विश्वरूप ने, उन्होंने बोले संसार सत्य नहीं तिल मात्र, उन्होंने समझ गए, क्या समझे, कि संसार झूठा है। इसलिए ये मान करके विश्वरूप ने क्या किया, उन्होंने सन्यासी जब जब देखा ये तो धीरे 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 संसार में बैराग्य इसके आते जा रहा है, बोले एक काम करो, बोले क्या करो, शादी करा दो। क्या करें, इनकी शादी करा दो, शादी कर जाएंगे ना, बस गले में अगर पड़ गया फांस, फिर कहाँ जाएगा फिर, हाँ सबसे बड़ा फांस यही है, हैं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जो बारंबार जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, इतने में उनको मैया ने क्या बोले, पिताजी को बोले क्या कर रहे हो, बारंबार उसको पकड़ पकड़ के लाते हो घर में बंद कर, शादी करा दो इसको, हैं, शादी करा दो इसको, बस फिर कहाँ जाएगा ये, फिर हैं, इसलिए शादी करा दो। शादी ऐसे एक बंधन है ना, बगैर जंजीरी और बगैर रस्सी के दिखता है तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इतना बड़ा बंधन है, फिर तो एक प्यार बाहर रखने के लिए ना हजार बार सोचना पड़ेगा, हैं, हजार बार तुम्हें सोचना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा क्या जाए क्या नहीं जाए, हैं। इसलिए श्री विश्वरूप ने जब उन्होंने देखा पिता माता ही तो धीरे 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 संसार में इसका बैराग्य होते जा रहे, ये बाबा नहीं बन जाए, बोले एक काम करो उसका शादी करा दो। जब विश्वरूप को पता चला मेरे शादी की बात कर रहे हैं, फिर विश्वरूप ने क्या किया, उन्होंने सन्यासी ग्रहण कर लिया। इसलिए सर्वशास्त्र कर्म धर्म मर्म जानी विश्वरूप धीर, अन्यत संसार है ते है लवाहिर। इसलिए उन्होंने क्या किया कि संसार को अनित्य जान करके उन्होंने सन्यासी ग्रहण कर लिया। जब उन्होंने सन्यासी ग्रहण कर लिया, आपको पता होगा एक पिता माता कितने कष्ट करते हैं, एक बच्चे को लिखा पढ़ा करके उसको बड़ा बनाने के लिए कितने कष्ट करते हैं एक बच्चों को। लेकिन जब उन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया, इतने में श्री जगन्नाथ मिश्र सची मैया इतने दुखी हो गए, हमारा बेटा साधु बन गया है, इतने जब दुखी हो गए इतने में उनका जितने अड़ोसी पड़ोसी थे सबके सब घर में आ गए, हैं, अड़ोसी पड़ोसी, और उनको समझा रहे थे, बोले क्या समझा रहे थे, देखो जो साधु बन करके आए हो क्या समझा रहे थे, बोले गोष्ठी थे पुरुष जार करे सन्यास, त्रिकोटी कुल रहे श्री वैकुंठ वास, एही मत विश्वरूप पड़ी सर्वशास्त्र, जानिला संसार सत्य नहीं तिल मात्र। इसलिए वहां के जितने अड़ोसी पड़ोसी थे आकर के उनको समझा रहे हैं, बोले तुम लोग तो बड़े भाग्यवान हैं, कोटि जन्म रे थाकिले भाग्य विष झाड़ी है वैराग्य, बोले करोड़ों जन्म का जब कोई सुकृति पुण्य एकत्रित हो तभी ये संसार का कोई त्याग सकता है, साधारण व्यक्ति त्याग नहीं सकते, करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हो। इसलिए शास्त्र ने बताया जो हमारे पूर्वज लोग चले गए ना, हमारे जो पूर्वज लोग जो चले गए वो केवल ऊपर से ताक रहे हैं, बोले क्या ताक रहे हैं, कब हमारे वंश में एक भक्त बनेगा, कब हमारे वंश में एक भक्त बनेगा, क्यों, जब तक तो कोई भक्ति नहीं करते ना पूर्वजों का उधार भी नहीं होता है, केवल एक टकटक लाकर बैठे हुए, अगर कनिष्ठ वैष्णव हो उसकी 7 पीढ़ी उधार हो जाते हैं, मध्यम वैष्णव हो 14 पीढ़ी उधार हो जाते हैं, और उत्तम वैष्णव हो तो कहते उनको 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं।
इसलिए देखते रहते हैं कब हमारी उधार। इसलिए कोई कोई कहते हैं ना, अरे तुमको पिता माता पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया और तुमने पिता माता का सेवा नहीं करके साधु बन गया है। ये कौन सा धर्म है जिसने तुमको लिखाया पढ़ाया इतना बड़ा किया, तुमने सब छोड़ करके साधु भादु हो गया, तुम क्या तुमने क्या किया। कोई कुछ लोग बोलते हैं ना, कहते नहीं भैया, जो साधु हो गया ना वास्तव रूप में वही पिता माता का ही सेवा किया है, वही पिता माता की सेवा किया। संसार में क्या होता है, शायद पिता माता सोचते हैं जब बेटा शादी हो जाएगा ना खुद सेवा करेगा। अब देखना तब तक पिता माता की बात सुनता है जब शादी नहीं हो जाता है, और शादी होते ही बस एक रात में पत्नी उसको कान में ऐसे एक मंत्र देता है ना, एक रात में ही बेटा का बुद्धि बदल जाती है। दूसरे दिन बेटा का बुद्धि खराब है, बुद्धि एकदम विकृति हो जाती है बेटा का। सोचते हैं शायद बच्चा सेवा करेगा है, लेकिन कोई सेवा नहीं करते पिता माता की। सबके सब किसकी सेवा करते हैं, बीवी और साला की है, उनकी सेवा करते हैं, पिता माता की सेवा नहीं करते हैं। लेकिन भगवान की जो भजन करता है, भक्ति करता है, हैं भक्ति करता है, भगवान स्वयं कहते हैं जो बच्चा सबको जो छोड़ करके मेरे भजन के लिए आ जाता है, मैंने पीछे 33 करोड़ मैंने कर्मकांडी ब्राह्मण को मैंने नियुक्त करके रखा, जो सब कुछ छोड़ करके मेरे भजन के लिए आ जाएगा, उनको जो बाकी काम रह जाएगा वो बाकी काम को करने के लिए भगवान 36 करोड़ कर्मकांडी ब्राह्मण को नियुक्त करके भगवान रखे। और जो भगवान की भजन के लिए आ जाते हैं, भगवान खुद कहते हैं उसको जो पीछे का जो काम है ना मैं करता हूं, मैं उसका पीछे का काम मैं स्वयं देखता हूँ। क्यों, वो सब छोड़ करके मेरे भजन के लिए आ गया। देखो हमारी परिवार में है, मैंने जब सब कुछ छोड़ करके आ गया ना, हमारे पिताजी की बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत सारी संपत्ति, सबके सब हम 6 भाई थे, सब हमारे गांव में सबसे बड़ा प्रॉपर्टी हमारे पिताजी का था। 6 भाग जब सबके सब अलग होने लग गए, शादी हो गया, सब अलग 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 होने लग गए, सबके सब हो गया 8 हिस्सा हुआ पिता माता के लिए, 2 हिस्सा और 6 भाई के लिए 1 हिस्सा। और विशाल हमारी गांव में सबसे बड़ा बगान हमारी बगीचा था, कितने नारियल पेड़, कितने कटहल पेड़, कितने आम का पेड़, उसमें उसमें तालाब फलाब सारा दुनिया, अनारस का पेड़ तो उसमें 1000 पेड़ था, हमारे पूरा गांव वाले खाते थे इतने। लेकिन जब 8 हिस्सा होने लग गया, सबके सब लड़ाई झगड़ा हो गया, अभी तक तो एक में थे, जब अलग अलग से बंटवारा बना गया। और जो पिताजी का जो हिस्सा था ना, एक भाई ने उसका हाथ टीप लगाकर पिताजी का सारी संपत्ति ले गई। सेवा क्या करेगा पिता माता की, सब संपत्ति ले गई। और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में मेरे हिस्सा में जो संपत्ति थी, मेरे पिता माता जिंदगी भर मेरे हिस्सा का संपत्ति पिता माता भोग किया। और बच्चों सेवा क्या पिता माता की करेगी, उन्होंने पिता माता को धोखे दे करके सारे संपत्ति लूट ली। यही सेवा करते हैं दुनियादारी में, यही सेवा करते हैं। इसलिए बड़ा विचित्र दुनिया है। इसलिए लेकिन कहते जो भगवान की भजन करने के लिए जो चले आते हैं ना, उनका पीछे का काम भगवान कहते हैं, मेरे को करना पड़ता है, भगवान करते हैं। अब विशेष करके वो जन्म जन्मांतर से ही पिता माता संसार का बंधन से मुक्त होकर के भगवत प्राप्ति उनको हो जाता है। इसलिए संसार में सबसे बड़ी सेवा कौन करता है, जो भगवान का भजन करता है, भगवान की जो भक्ति करता है। जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो भगवान की भजन करता है उसको क्या होता है, पिता माता जन्म जन्मांतर का बंधन से मुक्त हो जाते हैं। असली सेवा कौन करता है, जो भगवान का भजन करने के लिए आ जाता है वही। अगर बच्चा रहता कितना दिन के लिए खिलाता पिलाता, लेकिन पिताजी का था जन्म जन्मांतर के लिए उसका भव बंधन उसकी खत्म हो गया। इसलिए सबसे सेवा बड़ा सेवा किसने किया है बोलो, किसने सबसे बड़ी सेवा किया, जो सब छोड़कर भगवान के भजन के लिए आया है। हैं सोचते ही नहीं घर में रहने पर पिता माता की सेवा करते, दुनिया में रह करके देख, दुनिया को सारा दुनिया में जाकर देख लो क्या करते हैं, शादी करके बीवी सेवा करते हैं ना पिता माता की सेवा करते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए इनकी जो अड़ोसी पड़ोसी है ना, सबके सब अड़ोसी पड़ोसी आकर के उनको समझा रहे हैं, बोले तुम लोग कितने सौभाग्य हो हैं, बोले जिसकी वंश में एक बेटा भगवान के भजन में आ जाता है क्या होता है,
बोले त्रिकोटि कुलर है सी वैकुंठ वास, कितने बड़ी बात कहते हैं। बोले 3 करोड़ पूर्वजों की उधार हो जाता है, 3 करोड़ पूर्वजों की उधार हो जाता है जो भगवान की भक्ति करने के लिए आते हैं। बोले तुम लोग कितने सौभाग्यवान हो, तुम्हारी वंश से एक बेटा सन्यासी बना, सन्यासी बना, कितने तुम्हारी जीवन धन्य हो गया। अभी उसको बाद में श्री निमाई महाप्रभु तो छोटे थे, महाप्रभु पिता माता की गोद में बैठी गए। बोले मैया चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना, चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को सेवा करूंगा, इसलिए कोई चिंता मत करो। अभी निमाई की मीठी मीठी बात सुन करके पिता माता बड़े खुश हुए हैं, खुश हो गए। लेकिन उसको बाद में क्या हुआ, महाप्रभु जो पढ़ाई करने जाते थे, इतने महाप्रभु विद्वान, इतने महाप्रभु का बुद्धि तेज था, उन्होंने तो 1-2 दिन में सारे अक्षर सारे मात्रा भात्रा पढ़ ली हैं। जैसे कृष्ण ने 64 दिन में उनने 64 विद्या को अध्ययन कर लिया था, महाप्रभु इतने तीव्र बुद्धि थी, महाप्रभु को जो छात्रों के मध्य में सबसे बड़ा बुद्धिमान देख करके हैं, उनको जो टीचर था ना शांति बनी, जे शांति बनी कौन है, कहते कृष्ण की, कृष्ण का जो विद्या अध्ययन का गुरु का नाम था शांति बनी, वही ही महाप्रभु को लीला में क्या बन करके आए, अरे उनको नाम क्या है, गंगादास, हाँ गंगादास पंडित है ना, कहते गंगादास पंडित बन करके आए। महाप्रभु का बुद्धि को देख करके सारे बच्चों में उन्होंने उनको सर्वश्रेष्ठ रूप में रखे हैं, बच्चे में जैसे सबसे क्लास में फर्स्ट उनको रखे इतने। लेकिन इनकी बुद्धिमता, इनकी पढ़ाई में इतने बुद्धि तीक्ष्ण थी, इसको देख करके तो जगन्नाथ मिश्र सची मैया तो डर गए। बोले क्यों डर गए, बोले बड़ा भाई विश्वरूप ही वो बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के थे, लेकिन जब उन्होंने तीक्ष्ण बुद्धि के थे तब उन्होंने जो सारे शास्त्र को पढ़े उन्होंने क्या समझे, समझे ये संसार अनित्य है, संसार झूठा है, इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ करके प्रभु का भजन करने के लिए चला गया। अगर ये भी अगर ऐसे सब शास्त्र को पढ़ लेगा, फिर अगर इसको भी पता चलेगा क्या ये संसार अनित्य है, ये बच्चा भी सब छोड़ करके भी संन्यास बन जाएगा, अभी तो इनके मन में डर हो गया। बोले भैया भूखे है या घर मूर्ख हो या घर मोर रहो को निमाई, भले ही ये मूर्ख होकर रहे लेकिन ये घर में रहे, पढ़ाई पढ़ाई कोई जरूरत नहीं, बोले निमाई तुमको पढ़ने करने कोई जरूरत नहीं, घर में रहो, भले मूर्ख बन लेकिन घर में रहो। अगर ज्यादा लिख पढ़ कर अगर साधु बन गया तो फिर बड़ा बेटा तो गया और छोटा बेटा भी चला जाएगा, इसलिए वो तो डर गए। जब डर गए इतने में श्रीमन महाप्रभु ने लेकिन उन्होंने एक दिन जगन्नाथ मिश्र उन्हें स्वप्न देखा। बोले क्या स्वप्न देखा, उन्होंने स्वप्न ये देखा श्री महाप्रभु श्री निमाई हैं, हजार हजार भक्तों को लेकर के अद्वैत श्रीवास गदाधर पंडित, हजार भक्त महाप्रभु को पीछे चल रहे हैं, महाप्रभु आगे चल रहे हैं और हजार हजार भक्त सबके सब चल रहे हैं और सबके सब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सबके सब चल रहे हैं। महाप्रभु विष्णु की खटिया को बैठे हुए महाप्रभु, समस्त देवा देवी आकर के महाप्रभु का चरणों को प्रणाम कर रहे हैं और महाप्रभु संन्यास लिए हुए। इतने में जगन्नाथ मिश्र ने ये स्वप्न देखा, स्वप्नों को देख कर तो डर गए, हो ना हो मेरा ये बेटा भी साधु नहीं बन जाए। बोले पढ़ाई पढ़ाई कोई जरूरत नहीं, घर में बैठ रहो, जब बैठ रहो। इतने में महाप्रभु तो बड़े दुखी हो गए जब पढ़ाई इनकी बंद करा दिया। एक दिन महाप्रभु ने क्या किया, जहां पर रसोई बनाने का बात पहले क्या होता था, अगर घर में कोई अपवित्र कोई हो गया तो क्या करते थे, पहले मिट्टी का हाड़ी में रसोई बनता था, फिर वो मिट्टी का हाड़ी को क्या कर सारे हाड़ी घर से निकाल देते थे, फिर नया हाड़ी से रसोई बनती थी। जहां पर वो पुराना हाड़ियों को लेकर रख दिया ना, इतने में महाप्रभु तो वहीं पर चले गए, जाकर के वहां पर बैठ करके जितने सब उसका जो काला था ना सबके सब उन्होंने शरीर में लगा दिया, जितने हाड़ी का जो काला था सब सारा लगा करके महाप्रभु उसको पर बैठ गए। जब बैठ गए इतने में सची मैया ने क्या, हाय हाय बेटा तुम क्या कर रहे हो,
ये अपवित्र स्थान है, ये अपवित्र स्थान में तुम क्यों बैठे हुए हो, हैं? तुम अपवित्र हो गए हो, गंदा स्थान में तुम बैठे हो। इतने में महाप्रभु ने दत्तात्रेय भाव में आकर के महाप्रभु ने बड़ी सुंदर उनको ज्ञान दिया। बोले मैया यही भलो यही मंद यही भालो यही मंद क्या है, यह मन धर्म, ये अच्छा ये जो बुरा है ना, ये सबके सब मन धर्म है। अपवित्र कहाँ है, हम कहते ना हर कण कण में भगवान के विद्यमान, उसको इच्छा के बगैर एक पता नहीं हिलता है, सर्वत्र हरि दर्शन है। कहते ना नादे के तार मूर्ति क्या है, सर्वत्र सुरेदार इष्ट देव मूर्ति, स्थावर जंगम देखे नादे के तार मूर्ति। कहते जो महाभागवत होते हैं वो स्थावर जंगम किस चीज को नहीं दिखते, क्या दिखते हैं, सर्वत्र स्फुरेतार इष्ट देव मूर्ति, सर्वत्र उन्ने भगवान को दर्शन करते, सर्वत्र भगवान की विद्यमानता को छोड़कर के जगत में कुछ है ही नहीं। बोले भगवान तो सर्वत्र विद्यमान है, हाँ ये पवित्र ये अपवित्र कैसे? फिर तुम मैया कह रहे हो ये हाड़ी अपवित्र, जिस हाड़ी में भगवान के लिए प्रसाद बना, ठाकुर जी के लिए जो प्रसाद बना, जिसमें ठाकुर जी की भोग लगा, वो कहीं अपवित्र हो सकता है? जैसे जगन्नाथ मंदिर में क्या होता है, देखना जिस हाड़ी में एक व्यक्ति खा करके चले जाता है ना, वो फेंक करके चले जाता है, अब देखना उसको उठा करके धो धा करके फिर उसी में ही दाल चावल दे करके दूसरे को बेच देते। और नियम हमारे भारतीय संस्कृति है, पत्नी का झूठा कभी पति नहीं खाता है, लेकिन एक जगन्नाथ मंदिर ही ऐसे के स्थान है, सबके सब एक पतले में बैठ करके दोनों पति पत्नी वहां भोजन करते हैं, क्योंकि भगवान का जो प्रसाद है, इसलिए कहते हैं ना साधु सावधान फेर कही कर अवधान, महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे सल्प पुण्यंग बतांग राजन विश्वास नहीं जाए थे। जिसका कम पुण्यवान है उनको चार चीज में उनको विश्वास नहीं होता है, एक महाप्रसाद, एक गोविंद, एक नाम और एक वैष्णव, चार चीज में उनको विश्वास नहीं होता है। इसलिए जो प्रसाद है ये भगवत तुल्य भगवत अभिन्न ये प्रसाद है, हैं? बोले कुकुरात मुखात भ्रष्टम तद अर्ण पतितम जदि, कहते कुत्ते का मुंह से भी अगर जगन्नाथ प्रसाद गिर जाए ना, ब्राह्मण अभिभक्तव्यम, ब्राह्मण को उसको खानी चाहिए। देखो एक कथा सुनो कि सही घटना है। बोले एक बार बिहार से कुछ पंडित लोग आए थे ये बिहार से, और वहां तो बड़े नीति नियम है, जब यहाँ पर आए थे जगन्नाथ मंदिर में, देखना अब देखना एक व्यक्ति जो चम्मच में दाल दे देता है, सब्जी दे देता है, वो चाट कर खा लेता है, फिर उसी हाथ से फिर दूसरे के पास जाता है, फिर वो क्या करता है, देखता है वो भी उसी चम्मच जिस चम्मच से उसको हाथ में दिया है, फिर वो खा लिया हाथ में चाट करके, फिर वो भी वही अन्न चावल को फिर उसका हाथ में देते हैं, फिर झूठा हो गया ना, झूठा हो गया। वो बड़े विद्वान पंडित ब्राह्मण थे, बड़े सदाचार हैं, बड़े सदाचार संपन्न, ये सब चीज को देख करके बोले ये सब जगन्नाथ जी का प्रसाद, इतने गंदा झूठन फुटों का कोई पता नहीं, एक हाथ में जो देते हैं उसको खा रहे हैं, और उसी मटका में खाए फेंक दिया, दूसरा उठा कर देते, ये कितना झूठा है, ये प्रसाद वैसे बेकार चीज है। उनको बड़ा घृणा हो गया है, उन लोगों ने चले गए। तो चले गए ना, अभी तो रात को वो व्यक्ति को हो गया डायरिया, हो गया कलेरा, हो गया, और ऐसा कलेरा हो गया ना, पैखाना 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 पैखाना, अभी वो मरने वाला, वो व्यक्ति मरने वाला, अभी तो डर गए, ये क्या हो गया, ये क्या कलेरा कैसे हो गया। अभी इतने में जगन्नाथ जी का स्वप्न आया, बोले तुमने मेरे प्रसाद को घृणा किया है इसलिए कलेरा हुआ है, अगर तुम बचना चाहते हो ना, तुम अमुक स्थान पर जाना, वहां पर एक कुकुर मरा पड़ा हुआ है, एक कुकुर मरा पड़ा हुआ है और एकदम सड़ गया, उसको मुंह के अंदर में इतना जगन्नाथ जी का इतना चावल है, अगर वहां से उठा करके ला कर खाओगे ना, बच्चों को नहीं तो मर जाओ। जगन्नाथ जी का स्वप्न हुआ है, ये सही घटना है। और उसने सचमुच से जा करके देखा, जंगल में कुत्ता मरा पड़ा हुआ, शरीर से बदबू निकल रहा था, सचमुच से उसको मुंह में जगन्नाथ जी का जो चावल अन्न का इतना एक दाना लगा हुआ, चावल दाना, और उसे आया खाया फिर बच्चा। इसलिए भगवान के लिए जिस
मटकी में प्रसाद बनता है जिस स्थान पर, जगन्नाथ मंदिर में माँ लक्ष्मी स्वयं जगन्नाथ जी के लिए प्रसाद बनाती हैं, हैं? इसलिए महाप्रभु ने बोले भगवान के लिए जिस मटका में भगवान के लिए प्रसाद बना वो कभी अपवित्र हो सकता है, वो तो पवित्र स्थान है, हैं? वो पवित्र स्थान है। महाप्रभु बड़े सुंदर सुंदर ज्ञान दिए और जितने अड़ोसी पड़ोसी के जितने माताएं आकर गाली देने लग गए, बोले हम अपना बच्चे को चाहते हैं पढ़ाने के लिए तो बच्चे पढ़ते नहीं, हम जोर जबरदस्ती डांट फटकार लगाते हैं और तुम्हारी बच्चा अपनी आप इतने बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं और तुमको उसको पढ़ाई बंद कर दिया, ये दुर्बुद्धि तुमको किसने दिया, बच्चे को पढ़ाया करो, बच्चे को पढ़ाया करो। फिर उनका बुद्धि आया, फिर दूसरे दिन से महाप्रभु को उनने फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ पर कह रहे हैं कहते जगत पोषण करे जगत रे नाथ, पांडित तो पोषण करे केवा कहिल तुमात, साक्षात यही केन ना देखो आमाते पढ़िया हो आमार घर कर नहीं भाते। ये जगन्नाथ मिश्र सची मैया को कह रही हैं कि तुम कह रही हो हैं अनपढ़ व्यक्ति अगर हाँ, अगर ये हैं अगर ये पढ़ाई लिखाई करेगा तो क्या हो जाएगा, कहते ये साधु बन करके चले जाएगा और नहीं लिखा पढ़ा करेगा तो हाँ क्या होगा, उसको खाना नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये पहले का बात है, कह रहे देखो देखो मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ, कितना बड़ा मैं विद्वान हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा विद्वान होकर मेरे घर भात क्यों नहीं, और किस कोई व्यक्ति इतना लिखाई पढ़ाई नहीं, बड़ा बड़ा बिजनेस चकाचक बिजनेस चल रहा है, कितने पैसा कमा रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है, उसको घर में कितने नौकर लोग लगे हुए, किसने कहा तुमको पंडित द्वारा है, पंडित होने पर संसार चलता है, नहीं ये दुनिया को चलाने वाले कौन है, ठाकुर ही दुनिया को चलाने वाले ठाकुर जी है। फिर श्रीमन महाप्रभु को फिर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और महाप्रभु ने दो बार उन्होंने बहुत अच्छे तरह से महाप्रभु ने पढ़ाई किया है। जब पढ़ाई किया तो उसको बाद में यहाँ पर आता है महाप्रभु कैसे धीरे 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 पढ़ाई कर रहे हैं और कैसे बचपन में कृष्ण जैसे नटखट थे महाप्रभु भी बड़े नटखट थे। जो गंगा में पूजा करने के लिए जो महिलाएं जाती थी ना, महाप्रभु स्वयं जाकर के शिवलिंग है जहाँ पर शिवलिंग वहीं पर जाकर बैठ जाते थे, बैठ करके बोलते थे मेरे को पूजा करो और मेरे को पूजा करो मैं तुम लोगों को बर दूंगा लड़कियों को, हैं अगर मेरी पूजा नहीं करोगे ना फिर मैं अभिशाप देता, सात सौतनी बनेगी तुम्हारी, हैं सात सौतनी बनेगी। इतने में बच्चे सब लड़कियां डर जाती थी, हैं डर जाती थी सचमुच से अगर ऐसी बात हो गया तो सात सौतनी बन गई तो, हैं। इसलिए एक दिन महाप्रभु ने क्या किया, उनने बच्चों को साथ में जैसे पढ़ाई करके आ जाता है आ जाते हैं और बच्चों को साथ में जाकर गंगा में उन्होंने स्नान किया। स्नान करते करते बच्चों को साथ में हैं बच्चों को साथ में स्नान करते करते कोई अगर व्यक्ति आ जाए तो उनको ऊपर में मुंह में पानी लेकर उसको ऊपर थूक देते हैं, किसी को कंधे पर चढ़ जाते हैं। महाप्रभु एक दिन कृष्ण जैसे इतने नटखट बजा दिए, इतने में जितने ब्राह्मण लोग थे ना वो सबके सब श्री जगन्नाथ मिश्र को पास में आकर के उन्होंने क्या किया, सबके सब जगन्नाथ मिश्र को पास में आकर शिकायत करने के लिए आए। जब शिकायत करने के लिए आए तुम्हारे बच्चे आज इतने उत्तम आज गंगा पानी को तसनच कर दिए, वहां पर सबके ऊपर में थूकते हैं मुंह में पानी लेकर के पानी फेंकते हैं, किसे कंधे पर बैठ जाते हैं, किसको चिमटते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र को इतना क्रोध आया, बोला आज उसको मैं मजा चुकाऊंगा। इतने में महाप्रभु को पता चले गया, चले गए मेरे पिताजी के पास में। महाप्रभु ने क्या किया है, महाप्रभु ने उसी समय में गंगा जल्दी जल्दी आ गई और आ करके महाप्रभु जितना धूल था ना सारा शरीर में धूल लगा दी और जैसे लिखाई बढ़ा करके और साई का जो बूंद अपना शरीर में छिड़काव कर दिया। छिड़काव करके महाप्रभु आ गए, आ करके जब जगन्नाथ मिश्र हैं जगन्नाथ मिश्र जब आए न, जब जब लोग उनको शिकायत करके गए तुम्हारी बच्चे ऐसे ऐसे किया है और इतने में जगन्नाथ मिश्र ने भले ऐसे निमाई कर रहा है वो तो लठिया लेकर चले गए, आज उसको मैं दंड दूंगा। लेकिन महाप्रभु दूसरे रास्ता में आकर के ऐसे ऐसे करके बोले मैया अभी मैं स्कूल से आ रहा हूँ, मेरे को गंगा पूजा करने के लिए सामान दो, अभी मैं स्नान करने के लिए मैं जाऊंगा। मैया तो अक्के चके बके हो गए, बोले अभी तो ब्राह्मण लोग आकर के
हैं, ब्राह्मण लोग आकर के बोले निमा इतने उद्धव मचा रहा है, इतना उद्धव मचा रहा है। अरे अभी तो ये सचमुच से सारा शरीर में धूल लगा हुआ, स्नान का कोई भी चिन्ह नहीं, अभी भी सारा शरीर में साही की बूंद पड़ा हुआ। तो उन लोगों ने ऐसे कैसे बोले, जब जगन्नाथ मिश्र तर्जन गर्जन करते हुए गंगा पर गए ना, बोले निमाई कहाँ है, बोले आज तो निमाई आया ही नहीं, सखा बच्चों को सिखा दिया, मैंने सारे बच्चों को सिखा दिया, बोल देना पिताजी को निमाई आया ही नहीं है, निमाई तो आया ही नहीं। इतने में जब उन्होंने तर्जन गर्जन करते हुए गए, बोले निमाई कहाँ, बोले आज तो निमाई स्कूल से आया नहीं, बोले अभी ब्राह्मण सब ऐसे ऐसे बोल रहे थे है, ऐसे उसको नाप उत्पटक सब के सब बोल रहे थे, बोले नहीं आज निमाई आए नहीं आज निमाई। इतने में जब जगन्नाथ मिश्र देखा, जब बच्चे आए नहीं बोल रहे, फिर ऐसे क्यों, जब जगन्नाथ मिश्र आए ना इधर से महाप्रभु, इधर से आज सारा शरीर में साई का छिड़का पड़ा हुआ, सारा शरीर में धूल दूसरी था, और महाप्रभु आकर गोद में चढ़े गए, गोद में चढ़ते ही उनका सारे क्रोध शांत हो गया सबके सब। बोले ये सबके सब क्या बोल रहे थे सबके सब, महाप्रभु कभी कभी है ऐसे, महाप्रभु नटखट बचपन में नटखट करते थे, इसको बाद में धीरे धीरे महाप्रभु बड़े हुए, फिर महाप्रभु का कैसे शादी होता है, और उसको पहले कैसे श्री नित्यानंद प्रभु कैसे जन्म हुए, और नित्यानंद प्रभु कैसे तीर्थ भ्रमण करने के लिए जाते हैं, और कैसे नित्यानंद प्रभु लीला करते, ये कथा हम फिर कल सुनेंगे, ठीक है। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ, आप जो देख रहे हैं सबके सब आज मेरे साथ में सबके सब कीर्तन करो, ये कोरोना वायरस के लिए हम सब सब कीर्तन करते हैं, जैसे कोरोना वायरस जल्दी जल्दी सही हो जाए और सारे लग खोल जाए, और भारत में शांति सुख सबको हो, सबके सब मेरे पीछे पीछे सबके सब कीर्तन करें। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण Thank you.
Bye.